हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिस किचन। आज का रेसिपी कैबेज रोल। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैबेज रोल बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक कैबेज का पत्ता है व गोभी का पत्ता, ऐसे मैं अच्छी तरह से निकल के रखा, और हरे मटर आधा बाटी लिया, पनीर लिया 2 चम्मच, हरे धनिया बारीक कट के रखा 2 चम्मच, गाजर ऐसे कद्दूकस करके लिया 2 स्पून, और 3 बॉयल पोटैटो लिया। मसाला में अमचूर पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, काला मिर्च पाउडर 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, अदरक 2 इंच ऐसे बारीक कट के रखा, 4 हरी मिर्ची कट के रखा, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, आधा कटोरा बेसन, और फ्राइंग के लिए ऑयल। गैस ऑन करके एक कढ़ाई में पहले पानी बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। पानी में उबाल आ गया। अभी जो कैबेज का पत्ता लिया अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ऐसे बॉयल आटा में अच्छी तरह से ब्लेंच कर लेती हूँ। ओनली पत्ता को सॉफ्ट कर लेने का, और एक प्लेट में निकल के रखती हूँ। सारे पत्ता ऐसे ही मैं ब्लेंच कर लेती हूँ। पत्ता को अच्छी तरह से बॉयल पानी में ब्लेंच कर लिया और एक प्लेट में निकल के रखा। एक बाउल ले लिया जो बेसन लिया था, वो ऐड कर दिया, और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करके थोड़ा थोड़ा पानी देके एक बैटर तैयार करूंगी। लाल प्रिय स्मूथ बैटर तैयार कर लेती हूँ। ऐसे स्मूथ बैटर तैयार कर लिया। ये 15 मिनट्स रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ। एक बड़ा बाउल ले लिया और जो पोटैटो लिया पहले वो मैश कर लूँगी। बॉयल पोटैटो अच्छी तरह से पहले मैश कर लेती हूँ। पोटैटो अच्छी तरह से मैश करके हो गया। गाजर ऐड किया, हरे मटर, धनिया पत्ता, हरा धनिया का पत्ता, और पनीर, अदरक और हरी मिर्ची जो बारीक कट के रखा था वो ऐड किया, स्वाद अनुसार नमक, अमचूर पाउडर, काला ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सब मसाला ऐड करके अच्छी तरह से पहले फिलिंग्स बना लूँगी। गैस ऑन करके ऑयल गर्म होने के लिए पहले रख देती हूँ। कैबेज को जो बीच का जड़ा पोर्शन वो मैं कट के निकाल लेती हूँ। अभी इसमें रोल बनाऊंगी। मसाला भी रेडी और बैटर भी रेडी। अभी कैबेज में फिलिंग्स भर के रोल बनाऊंगी।
ऐसे सारे रोल बना के पहले रेडी कर लेती हूँ। बीच का हिस्सा ऐसे कट के निकल दिया, अभी जो फिलिंग्स लिया ऐसे स्प्रेड कर दिया। ऐसे अच्छी तरह से रोल करके बना के रेडी कर लिया। देखिए ऐसे कैबेज रोल बन गया। कैबेज रोल सारा बना के तैयार कर लिया, अभी बैटर में डिप करूँगी और फ्राइंग करूँगी। ऑयल गरम हो गया, अभी बैटर में कैबेज रोल को डिप करूँगी। कैबेज रोल बनके एक रेडी कर लिया। ऐसे सेम प्रोसेस में वापस बैटर में डिप करूँगी और हॉट ऑयल में फ्राई करूँगी। कैबेज रोल फ्राई करके हो गया, दूसरा भी सेम प्रोसेस में बाकी सारे तल के रेडी कर लेती हूँ। गैस बंद कर दिया, सारे कैबेज रोल बना के रेडी कर लिया। सॉस के साथ पत्ता गोभी का रोल व कैबेज रोल मैं प्लेटिंग कर लिया। अभी एक कट के भी आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर कितना अच्छा पक के रेडी हो गया। टेस्टी कैबेज रोल बन के रेडी हो गया। ये टोमेटो सॉस कौन सा भी सॉस के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग एक बार बनाइए, आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।